नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जी दर्शकों, आज जैसे कि हमने सुबह से तस्वीरें आपको साझा की है कि टीमें जो है वो धर्मशाला पहुंच गई हैं और 7 से 11 जो टेस्ट मैच की आखिरी टेस्ट मैच सीरीज का जो आखिरी मैच है धर्मशाला में होना है और उसको लेकर के अगर हम बात करें टिकट काउंटर का, तो वो आज से जो है वो खुल गए हैं और देख सकते हैं कि लोग आने जो है वो शुरू हो गए हैं। जिन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक की है वो अपने टिकट जो है वो जो उन्हें QR कोड आया होगा उसे स्कैन करके यहाँ पर जो है उसकी हार्ड कॉपी लेनी है। फिलहाल ये देख सकते हैं अपने अपने टिकट यहाँ पर दिखा करके ये टिकट जो है वो ले रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें HPC क्रिकेट स्टेडियम के बाहर ये काउंटर जो है वो लगा है और सभी को विदित है कि जो ऑनलाइन जो काउंटर होता है, जिन्होंने ऑनलाइन बुक करवाई होती है टिकटें, वो इस काउंटर पर आकर के अपनी हार्ड कॉपी जो है वो ले सकते हैं। और ऑफलाइन अगर टिकट काउंटर की बात करें तो वो भी ओपन इस वक्त हो गया है, तो जितने भी दर्शक यहाँ बैठ कर मैच देखना चाहते हैं वो ऑफलाइन और ऑनलाइन जिन्होंने टिकटें लेनी है, या जैसे कि ऑनलाइन तो बुक करवा ही ली होंगी लेकिन उनकी जो हार्ड कॉपी है वो लेनी है, तो वो यहाँ आकर के लाइन में लग के ले सकते हैं। तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच ये आखिरी टेस्ट मैच की सीरीज जो है वो खेली जानी है और उसको लेकर के ये देख सकते हैं, हालांकि इक्का दुक्का लोग जो है वो यहाँ पहुँचने शुरू हुए हैं। मैं आपको बता दूँ, ये जो काउंटर है ये सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहेगा और यहाँ पर 5 बजे से पहले पहले जो है वो लोग जिन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक करवाई है वो उसकी हार्ड कॉपी यहाँ पर ले सकते हैं। ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। इसी के साथ मैच है और मैच के दौरान अगर इंडिया और इंग्लैंड कि जर्सी ना बिके, लोग ना खरीदे, ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसे में लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं और भी लोग हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर आने जो है वो शुरू हुए हैं। साथ में स्ट्रीट वेंडर की बात करें तो वो भी यहाँ पर है। हालांकि मौसम की बात करें तो लगातार बारिश हो रही है, हालांकि अभी की अगर हम बात करते हैं तो अभी बारिश जो है वो थमी हुई है। ये देख सकते हैं टिकटें खरीदने आने वाले जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं वो यहाँ पर अपने पसंदीदा क्रिकेटर की जर्सी भी खरीद सकते हैं। वो भी यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर है पहुँचे हुए हैं। वहीं क्योंकि मौसम भी ख़राब है तो इसी बीच लोग जो है वो कुछ ही लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन अगर हम बात करें टिकटों की तो ये ऑनलाइन टिकट काउंटर जो है वो खुल चुका है और आज से ये खुला है। ये लाइव तस्वीरें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण लाल है और मैं यहाँ पे जिसटी धर्मशाला में बीएड का स्टूडेंट हूँ और आज टिकट्स के लिए यहाँ पे आया था पता करने के लिए। तो अभी देखते हैं क्या बोलते हैं ये। आपको मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो उन्होंने बोला कि 2 बजे होगा स्टार्ट, तो भी शायद ये ऑनलाइन का है, ऑफलाइन का शायद 2 बजे से स्टार्ट, तो इनके पास पूछ के ही पता चलेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑफलाइन टिकट काउंटर भी खुल चुका है और 2 बजे के बाद वो भी खुलने वाला है। इसे स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें और देख सकते हैं लोग धीरे धीरे जो है, क्योंकि आज रविवार भी है तो धीरे धीरे लोग जो है वो यहाँ आने शुरू हुए हैं। फिलहाल यहाँ कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदीप। कहाँ से आए हैं? कोलकाता। अच्छा, क्या है जर्सी खरीद रहे हैं कोई? हाँ, बिक रहा है। बिक रहे हैं, बारिश भी है तो किस तरीके के मैनेज कर रहे हैं? वो तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, बारिश होगा तो। अच्छा, ये देख सकते हैं अपनी रोजी रोटी को। अब मैच है तो मैच में टी शर्ट और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये बैठ चुके हैं। देखिए ये जो टेस्ट मैच यहाँ पर
होने वाला है 7 से 11 मार्च को, जो ये लास्ट सीरीज टेस्ट मैच की होने वाली है। तो उसमें बड़ी बात यही है कि जो स्टूडेंट है वो भी मैच देख पाएंगे, वो भी हमने आप तक जानकारी जो है वो साझा की थी। ये देख सकते हैं, ये ऑनलाइन टिकट काउंटर, और उससे आगे जो है वो ऑफलाइन टिकट काउंटर जो है वो लगाया गया है। लाइव तस्वीरें ये क्रिकेट स्टेडियम बाहर की है, और आज से टिकटों की जो बिक्री है वो शुरू हो गई है। तो जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं, अगर वो भी स्टेडियम के अंदर बैठकर मैच देखना चाहते हैं तो वह टिकटें जो है वो, क्योंकि आज से टिकट काउंटर ओपन जो है वो हो गया है, तो वो खरीद सकते हैं और टिकटों को खरीद सकते हैं और मैच का आनंद जो है वो बैठ कर ले सकते हैं। लाइव तस्वीरें और देख सकते हैं, हलचल जो है वो बढ़ने अब शुरू हो गई है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर टिकट काउंटर जो है वो ऑफलाइन, यहाँ पर टिकटें जो है वो मिलेंगी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 2 बजे के बाद टिकट काउंटर जो है वो ये देख सकते हैं, स्टूडेंट भी कुछ यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये भी टिकट लेने आए हैं, और ये 5 दिन जो टेस्ट मैच यहाँ पर चलने वाला है उसका आनंद लेने के लिए देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लाइनों में पहले ही जुट चुके हैं। क्या नाम है? गौरव। कहाँ से हो? अच्छा, टेस्ट टिकट लेने यहाँ पे आए हो? कब पहुँचे? हम तो 10 बजे का आया था, टाइम दिया था ना 10 बजे का, तो लगे। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? अभी बोल रहे हैं, 2 बजे के लिए। 2 बजे? कितने की है टिकट? टिकट स्टूडेंट्स के लिए 50% ऑफ है, तो अगर जा रहा है टिकट 500 की मिल जाएगी। अच्छा, आपको पता है स्टूडेंट के लिए 100 रुपए की भी टिकट मिल रही है? हाँ जी, वो मिलेगी 1 दिन की। हाँ अच्छा, आपको 5 दिन की चाहिए ना। तो देख सकते हैं, ये स्कूली स्टूडेंट है जो कि 10 बजे यहाँ पहुँच चुके हैं और टिकट इनको चाहिए, क्योंकि 5 दिन स्टेडियम में मैच जो है वो आनंद जो है वो लेने वाले हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके का करेज बच्चों में भी है, और जिस तरीके से ऑफलाइन जो ये टिकट यहाँ पर मिलनी है उसमें 50% छूट, और उसी के साथ स्टूडेंट की बात करें तो उनके आईडी कार्ड पर 100 रुपये की टिकट जो है वो उन्हें 1 दिन की दी जाएगी। तो लाइव तस्वीरें ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये टिकटों का खरीदने के लिए बच्चे जो है वो फिलहाल पहुँचे हैं। तो वही स्कूली छात्राएं भी हैं जो भी यहाँ पर पहुंची हैं। ये बच्चे, क्योंकि जब से HPCA ने कहा है कि जो स्टूडेंट है उन्हें कम प्राइस में टिकट जो है वो मिलेगी और स्टेडियम में बैठ के मैच देख सकते हैं, और तब से जो स्कूली स्टूडेंट है चाहे बात कर ले उनमें काफ़ी उत्साह है। और हालांकि 2 बजे ये काउंटर जो है वो ओपन होना है, लेकिन उससे पहले, यानी कि बच्चों ने खुद ही बताया कि 10 बजे जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और टिकट लेकर के 5 दिन मैच का खूब आनंद जो है वो लेने वाले हैं। फिलहाल लड़कियाँ भी कुछ हमारे साथ हैं, उनसे भी जाने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? पठानकोट से आए हैं। अच्छा,
तो टिकट लेने के लिए पहुँचे, कब से यहाँ पर बैठे हुए हैं? सुबह 10 बजे बोला था उन्होंने, बट 10 से 12 बोला, तो अब 2 बजे बोल रहे हैं, तो अभी तक नहीं खुला कौन सा। अच्छा, डिले करी जा रहे हैं, बाद में खुल जाएगा, बट अभी तक नहीं खुला। पहली बार मैच देखोगे यहाँ पे? वर्ल्ड कप भी देखा है। तो क्या किस इंग्लैंड और इंडिया के बीच मैच जो है होने वाला है, तो किस प्लेयर को ज़्यादा आप चेयरअप करने वाले हो, कौन फेवरेट है? मतलब जो इंडिया टीम के वैसे तो कम आ रहे हैं क्रिकेटर्स यहाँ पे, जो नए हैं वो ही आएंगे, तो जैसे विराट कोहली तो आएगा नहीं, तो उसके लिए मैच देखना था, तो ये तो मैच फैमिली को दिखा रही हूँ। अच्छा, फैमिली को दिखा रहे हैं, चलो ठीक है, ओके। ये देख सकते हैं लड़कियाँ हैं, बच्चे हैं, हालांकि विराट कोहली अगर यहाँ पर आते तो मैच, ये जो स्कूली स्टूडेंट यहाँ पहुँचे हैं, ज़रूर देखते, लेकिन नए प्लेयर्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो फैमिली को मैच जो है वो दिखाया जाएगा। तो आज से ऑफलाइन और जो ऑनलाइन टिकट काउंटर है, दोनों ही ओपन हो चुके हैं। तो अब ऐसे में जो भी टिकट खरीदना चाहता हो वो आज से टिकटें जो है वो खरीद सकता है और स्टेडियम के अंदर मैच देख सकता है। फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही, आप मुझे दें इजाज़त, नमस्कार।